subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. यूं तो टीआरपी में थोड़ा सा पिछड़ने वाला इश्क में मर जावा जो कि इन दिनों काफी पीछे रह चुका था क्योंकि लोगों को इसकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि कंफ्यूजिंग हो गई थी क्योंकि आरोही और तारा का ट्रैक कुछ ज्यादा ही खींच दिया था। तो अब इस ट्रैक को खींचा नहीं बल्कि इसमें ट्विस्ट ला दिया जाएगा जो कि लाएंगे शोमेकर और वो ट्विस्ट होगा निया शर्मा का, क्योंकि निया शर्मा बनने आ रही है आरोही और लेने जा रही है आरोही की जगह। दरअसल कहानी में आ जाएगा लीप और लीप के बाद आरोही की आंख खुलेगी और आरोही अपना चेहरा देखकर हैरान और परेशान होगी क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया होगा। जहाँ वो तारा और दीप की फोटो देखकर खिलसने भी लगेगी और जोरदार गमला मार देगी शीशे पर और शीशे की खनक से आरोही को एहसास होगा कि उसको कितना बड़ा धोखा मिला है, क्योंकि एक बार जब शीशा टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। तो उसी तरह इश्क में मरजावा में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जहाँ आरोही ठान लेगी कि उसका रिश्ता टूट गया है तो वो जोड़ेगी नहीं बल्कि एक नए मिशन के साथ लेगी दीप और तारा से बदला, क्योंकि दीप और तारा की मिली भगत फिर से हो गई है शुरू। जहाँ निया शर्मा यानी कि आरोही आ जाएगी इनकी जिंदगी में वापस एक नया इंतकाम लेकर, तो देखना हो जाएगा काफी इंटरेस्टिंग। तो देखना यह है कि क्या निया शर्मा आरोही का अवतार लेकर शो फैंस को एंटरटेन कर पाएगी जिस तरह वो जी टीवी के कई शो में कर चुकी हैं। देख लीजिए ना जमाए राजा में, और उन्होंने काफी फेम भी इकट्ठा की, तो अब देखना यह है कि कैसे वो इश्क में मरजावा में फेम इकट्ठा करती है और आगे क्या क्या खबर आएंगी इश्क में मरजावा से जुड़ी, ये सभी हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।